हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेता रसोई घर। नवरात्र के चौथे दिन में माता रानी को मालपुआ ही भोग प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो चलिए माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करते हैं, मालपुआ बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट लिया है जो मालपुए में ऐड करूंगी। तो ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है मूंगफली, काजू, नारियल एंड इलायची। इन सभी को मैं थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख दूंगी। तो मैंने एक बाउल में सारी चीजों को ले लिया है और अब इसमें दूध ऐड कर दूंगी ताकि ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से फूल जाए। मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं इसे मिक्सर बाउल में रख दूंगी, दूध एंड ड्राई फ्रूट को। इसी के साथ मैं एक केला रख दूंगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, एकदम अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो एक बर्तन में मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, मैदे में जो मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है वो ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट पेस्ट ऐड कर दिया, इसी के साथ मैं चीनी ऐड कर दूंगी। आप मीठा के अनुसार चीनी ऐड करें। अब इसमें दूध ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे मैंने पके हुए दूध का यूज किया है। दूध को ठंडा करके ही ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसमें आप आवश्यकता अनुसार इसमें दूध ऐड करें, मालपुआ में पानी ऐड ना करें, दूध से ही अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ इसका बैटर ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखना और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक भी लम्स ना रहे। इस तरीके से आप भी मिक्स कर लें। इस तरीके से आप भी मालपुआ बनाएं, बहुत ही इजी एंड बहुत ही टेस्टी बनता है। आप माता रानी के लिए ये भोग प्रसाद बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया, एक भी लम्स नहीं रहे हैं। इसे मैं कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए इसे रख दूंगी। आधे घंटे बाद बड़े वाली चमची से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देख सकते हैं बेटर बहुत ही अच्छा हुआ है। इस तरीके से आपको भी रखना है। कढ़ाई मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें बेटर रख दूंगी। आप मालपुआ जिस भी साइज का बनाना चाहते हैं उस साइज से बनाएं। और थोड़ी देर बाद देख सकते हैं मालपुआ खुद ही ऊपर आ गया है। इसे मैं पलट पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरी मालपुआ भी फ्राई करके दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस है। फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से आप भी मालपुआ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजिली बन जाएगी। तो देख सकते हैं मालपुआ एकदम रेडी हो गया है। तो माता रानी के लिए भोग प्रसाद रेडी है। इसमें तुलसी पत्ता जरूर ऐड करें, कोई भी प्रसाद में तुलसी पत्ता जरूर ऐड करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।